आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा, देखा प्रस्तुतिकरण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। यूपी में 97% के करीब हुआ कोरोना से रिकवरी रेट, दूसरे दिन भी नए संक्रमण के केस 1500 से नीचे। 24 घंटे में आने वाले नए केसेस 96.2% घटे। काबू कोरोना के चरम से, सक्रिय केसेस में करीब 90% की कमी। गोरखपुर न्यूज़ के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। सोमवार की रात चुनावी रंजिश में बेलघाट थाना क्षेत्र में दो भाइयों को बदमाशों ने घर से बुलाकर मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर। एसपी साउथ ने कहा, एक अभियुक्त गिरफ्तार, से इसकी होगी 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी। मृतक परिवार को मिलेगा शासन द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि। मंडला उज्जैन पालीकर ने किया गुरु श्री गोरक्षनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं एम्स में बोइंग कंपनी के सहयोग से बन रहे 200 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण। कहा, सभी तैयारियां पूरी, जल्द होगा शुभारंभ। डीएम न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने माफिया प्रदीप सिंह के 12 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। 3 मकान 3 गाड़ी व गांव की खेती को प्रशासन ने किया जब्त। एसएसपी ने कहा, टॉप 10 माफियाओं के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। SBI ने बैंकिंग कार्यों के समय में किया परिवर्तन। मंगलवार से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शुरू हुआ बैंकिंग कार्य। DGM ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ग्राहकों को बैंक में दी जाएगी एंट्री। कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर चंदन के पैर में लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश हुए फरार। शोक सभा के साथ स्थगित हुई नगर निगम बोर्ड के कार्यकारिणी की 16वीं बैठक। पार्षद, पूर्व पार्षद, कर्मचारियों की कोरोना से हुई मृत्यु पर दी गई श्रद्धांजलि। महापौर ने कहा, 2 जून को आयोजित होगा कार्यकारिणी की 17वीं बैठक। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 57 नए कोरोना संक्रमित मरीज, आज की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,975। अब तक 715 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 1,250 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। शासन के निर्देश पर RTO कार्यालय पर 1 जून से शुरू हुआ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य। ARTO ने कहा, 16 जून से शुरू होगा डुप्लीकेट तथा लाइसेंस रिन्यूअल का कार्य। SBI के खाता धारक एक दिन में 1 लाख तक कर सकेंगे धन निकासी, SBI के DGM ने दी जानकारी। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी और झीलों के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी। ADM फाइनेंस ने कहा, जिला प्रशासन है सतर्क, पूरी है तैयारियां। नगर निगम ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदा 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी। 4 जोनों में 5-5 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी से कूड़ों का होगा निस्तारण। सभी वार्डों में नीले और हरे रंग के लोहे के रखे जाएंगे डस्टबिन। नगर आयुक्त ने कहा, स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनेगा गोरखपुर। अभिभावक स्पेशल कोविड टीकाकरण के तहत बसंतपुर स्वास्थ्य केंद्र पर लगा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को कोविड का टीका। CMO ने कहा, टीकाकरण से बचा जा सकता है कोविड महामारी से। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम नहीं पहुंचने के कारण महानगर में मंगलवार को भी लागू रहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू। ADM सिटी ने कहा, करें कर्फ्यू का पालन, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मंगलवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 84 केंद्रों पर 9731 व्यक्तियों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा, कोरोना महामारी से बचने के लिए अवश्य कराएं टीकाकरण, रहें सुरक्षित। और मंगलवार को अचानक हुआ मौसम में परिवर्तन, रिमझिम हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी बारिश के हैं आसार।